हर कोई चंदन तो नहीं कि जीवन को सुगंधित कर सके, कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं सुगंधित तो नहीं लेकिन जीवन में काम बहुत आते हैं। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं, यानी कि आज पूर्णिमा का श्राद्ध था जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी, उस दिन प्रतिपदा का दिन होगा। जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी तो पहला श्राद्ध होगा। तो जो श्राद्धों का दिन है, 17 तारीख को अमावस्या है, लास्ट दिन है श्राद्ध का, उसके बाद पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो जाएगी। तो श्राद्ध जो है वो 1 तारीख को पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे, और 2 तारीख को प्रतिपदा है यानी कि पहला श्राद्ध है, और 17 तारीख को अमावस्या है यानी कि आखिरी श्राद्ध है। श्राद्ध जो है वो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, जो यमराज देवता है वो जो ये 15 दिन होते हैं उसमें यमराज पितरों को बिल्कुल मोक्ष दे देते हैं, बिल्कुल मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के हमारे घर आकर, हमारे पितृ हमारे घर आकर तर्पण ग्रहण कर सकें। ऐसा माना जाता है, मेरी दादी माँ है, मैं उनके पास मतलब अभी मेरी शादी को थोड़ा समय हुआ है तो मैं जब उनके साथ रहती थी तो वो मुझे हमेशा एक बात बताती थी कि कभी भी जब श्राद्ध होते हैं तो पितर जो हैं, जो हमारे जिन पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, वो जिस दिन उनका श्राद्ध होता है वो हमारे घर के बाहर वेट करते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं, वो आते हैं यम लोग से और इंतजार करते हैं ताकि हम जिनको बुलाते हैं खाने के लिए, जिन हम पंडित को खाने के लिए बुलाते हैं वो उनके साथ वो हमारे घर में आते हैं और जो भी हम उनके मन पसंद बनाते हैं वो उसे जरूर ग्रहण करते हैं, जो भी हम दान दक्षिणा करते हैं वो सब उन्हें ही जाता है और वो इन्हें देखकर बहुत खुश होकर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है कि जो हमारे पितृ हैं, हमारे जो स्वजन हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो हमारे घर आते हैं इन पितृ पक्ष में, और आकर तर्पण ग्रहण करके बहुत खुश होकर अगर हम श्रद्धा भाव से बहुत अच्छे से और शुद्धता से हर काम को करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होकर हमारे घर से जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए ताकि जीवन में हमें बहुत ज्यादा अगर सुख चाहिए, खुशी चाहिए तो हम अपने पूर्वजों का तर्पण हमें जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि श्राद्ध में पितर घर जरूर आते हैं, इसलिए परिजनों को तर्पण जरूर करना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप भूल गए हैं कि किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, माता का, पिता का या किसी का भी, तो वो आपको किस दिन करना चाहिए वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन पितरों को समर्पित ये दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी दादी परदादी होती हैं तो वो अपने श्राद्ध करती हैं, फिर उनके तो ऐसे जैसे हमारे खुद के घर में भी वहाँ था मेरे मायके में तो कई दिनों तक जो श्राद्ध है वो चलता था, लेकिन आजकल सिर्फ माता पिता का या फिर किसी ऐसे कि हमारे खास की डेथ हो गई तो उसका श्राद्ध किया जाता है, भाई बहनों का, तो उस तिथि को जिन तिथि में उनकी डेथ हुई हो, उनकी मृत्यु हुई हो, उस दिन श्राद्ध किया जाता है। इन
15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी विवाह नहीं कराए जाते हैं। और इन दिनों में कोई भी नई चीज, जैसे कोई आप नई चीज, बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, उसे नहीं खरीदा जाता है। कोई बहुत बड़ी चीज है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी या ऐसी कोई भी चीज लेने की सोच रहे हैं तो वो नहीं खरीदी जाती है। इन सब बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान और हवन भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर करना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी कि पिंडदान घर पे ही कैसे कर सकते हैं, और ये तो समय भी ऐसा है कि आपको हर कार्य जो है वो घर पर ही करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लॉकडाउन में आप किसी को घर नहीं बुला सकते हो खाने के लिए, और आपके लिए ये बड़ी परेशानी हो जाएगी, तो इस समय आपको कैसे, और बुलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये समय अभी सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर खाना बनाना है और गौ ग्रास जरूर निकालना है, यानी कि गाय का और कौवे का खाना जरूर निकालना है। अगर आप उन दोनों को भी खिलाते हैं तो भी आपका जो भी आपने बनाया है, जो भी आप तर्पण करने वाले हैं, वो आपके पूर्वजों को ही जाएगा। और अगर पॉसिबल है जिसको आप बुलाते हैं अपने घर पर खाने के लिए, तो उन्हें जरूर बुलाएं। इस दिन तर्पण करना बहुत जरूरी होता है, और तर्पण हमेशा 11 बजे से 12 बजे के बीच ही करना चाहिए, वो ही समय होता है तर्पण का, बिल्कुल सही समय होता है। और काला तिल, गंगा जल, तुलसी और ताम्र पत्र से तर्पण आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों के पसंद का, जो भी आपके पितरों को पसंद था, उनके पसंद का भोजन बनाएं, और गाय और कौवे के लिए ग्रास जरूर निकालना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से अगर नहीं बुला सकते हैं तो गाय का और कौवे का ग्रास जरूर निकालना चाहिए। और इसके अलावा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, और इस दिन तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, नमक, पैसा, फल का दान करना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा दान करें, जरूरी नहीं है कि इन सभी चीजें जो भी मैंने आपको बोली है उन सभी का ही करना है। हमारी श्रद्धा, हमारे भाव देखते हैं, हम कितना कर रहे हैं, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ही कीजिए, अपने बजट के अनुसार ही कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अपना बजट बिगाड़ के, ओवर बजट करके, या फिर बेफिजूल का कोई भी खर्चा करके, जो कि आपके लिए ऐसा क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ना हो लेकिन हमें दिखावे के लिए, इन सब चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा देना है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे आपके पितर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो पैसा आप अपने लिए बचाएंगे वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो वो उन्हें देखकर खुशी होगी, ना कि बेफजूल के शो ऑफ करके कोई खुशी होगी। तो इसलिए जितनी आपकी सहूलियत हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतना दान जरूर करना चाहिए। इस समय आपको, अगर आपको पितरों की तारीख नहीं पता है तो आपको क्या करना है, कब तर्पण करना है, अगर आपके किसी की भी अकाल मृत्यु हो गई है तो उस आका तर्पण जो है, उसका तर्पण आपको चतुर्दशी तिथि को करना है। जिन पितरों के देहावसान की तारीख नहीं पता हो, उनका तर्पण जो है वो अश्विन की अमावस्या को करना है। पिता का श्राद्ध, किसी को पिता के श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम है, भूल गए हैं, तो वो अष्टमी तिथि को करना है, और माता के श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम है तो वो नवमी तिथि को करना है। तो ये था कि आपको कैसे श्राद्ध करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप भूल गए हैं तो किस दिन श्राद्ध करना है, तो ये पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। पिंडदान घर पे कैसे करें,
वो लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे सुझाव कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।